से अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम पालक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं। ये पालक को पत्तों में तोड़ लिया, पत्ते पत्ते तोड़ लिए हैं और दो तीन बार पानी से धो लिया है। तीन टमाटर, एक हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन, दो प्याज बड़ी साइज में काट लिए हैं, और ये पनीर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है, आधा चम्मच गरम मसाला, एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच बड़े चम्मच में धनिया पाउडर। गैस पे एक बर्तन रखेंगे, भगोने लिया है और गैस को जला देंगे और इसमें पानी डालेंगे, एक लोटा पानी डाला है। पानी को थोड़ा अच्छा गर्म हो जाने देंगे। ये पानी खोलने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे पालक। पालक के पत्तों को डाल देंगे इसमें। सारे पालक के पत्ते इसमें डाल दिए हैं और थोड़ी देर से ढक कर रख देंगे ताकि इसमें पत्ते सारे नरम हो जाएं। पालक के पत्ते सारे नरम हो गए हैं, अब इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए एक प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है और इसमें पानी डाल के इसको ठंडा करेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और इसका पानी निकाल देंगे। पैन में तेल डाल करके और गैस को चढ़ा दिया है और गैस को जला दिया। हमने लहसुन और एक हरी मिर्च को इसमें डाल दिया, आधा चम्मच जीरा, इसको थोड़ा सा पका लेंगे। डालेंगे प्याज, प्याज लहसुन और हरी मिर्च आज पक चुकी है। अब डालेंगे टमाटर, आधा चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद के अनुसार अपने डाल सकते हैं, रख देंगे क्योंकि टमाटर अभी अच्छे से नहीं पका है। गैस को करेंगे बंद और इस रेसिपी को निकाल देंगे। गैस पे पैन रख दिया है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद इसमें तेल डालेंगे। हम सेम पैन यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो दूसरा भी कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, डालेंगे गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है, प्याज टमाटर का, ये मसाला हमारा पक गया है। मसाला तो पहले भी पका हुआ था, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें डालेंगे ये पालक का जूस जो हमने पीस कर इसको तैयार किया है और इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। इस गिलास से इतना पानी लिया है, आधी गिलास पानी डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे। गैस को हमने तेज कर दिया है, तेज फ्लेम में। अब इसे ढक करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छी उबाल आ जाए। ढक्कन हटाएंगे और इसे एक बार चला देंगे कि पूरे पालक हमारी पकी से तैयार हो गई है और हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें ऐड कर दिया, पनीर को हमने स्लो फ्राई कर दिया था पर मैं दिखाना भूल गई, कुछ टाइम पे कैमरा ऑन नहीं था। अब हम इसे दो तीन मिनट के लिए पका लेंगे, गैस को मध्य करेंगे और ढक करके रख देंगे। ढक्कन को हटा करके चेक करेंगे, ये हमारा पालक पनीर पक करके तैयार हो गया है। अब चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ।